प्रतिवर्ष गणतंत्र दिवस मनाया जाता है, वो इसलिए मनाया जाता है हम हमारे संविधान की रक्षा की शपथ लें, सब हमारे देश की जो संविधान बना हुआ है, कानून बना हुआ है, उसका हम पालन करें। पुष्कर के मेला ग्राउंड में कोरोना गाइडलाइन के साथ मनाया 73वां उपखंड स्तरीय गणतंत्र दिवस समारोह। कुछ गिने चुने जनप्रतिनिधियों को छोड़ सभी जनप्रतिनिधि रहे नदारद। तीर्थ नगरी पुष्कर के मेला ग्राउंड में बुधवार को कोरोना गाइडलाइन के साथ 73वां उपखंड स्तरीय गणतंत्र दिवस समारोह हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। सुबह 9:30 बजे SDM सुखाराम पिंडेल ने झंडारोहण के साथ समारोह का शुभारंभ किया। इस अवसर पर पुष्कर थाने के पुलिसकर्मियों ने सलामी दी, जहां प्रतिवर्ष कार्यक्रम में विभिन्न स्कूलों के बच्चे शानदार सांस्कृतिक कार्यक्रमों की प्रस्तुतियां देते थे, वहां इस बार कार्यक्रम में कोरोना महामारी में लागू गाइडलाइन के चलते बच्चों को शामिल नहीं किया जा सका। इस बार स्कूली शिक्षकों, नगरपालिका के कर्मचारियों एवं आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने शानदार सांस्कृतिक कार्यक्रमों की प्रस्तुतियां दी, जिसमें राजकीय बालिका विद्यालय, राजकीय सीनियर स्कूल, नगरपालिका के कर्मचारी और आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के साथ गोपाल बंजारा एंड पार्टी ने कोरोना थीम पर शानदार सांस्कृतिक कार्यक्रमों की प्रस्तुतियां देकर सभी को मंत्रमुग्ध कर दिया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए SDM सुखाराम पिंडेल ने कहा कि कोरोना महामारी अभी खत्म नहीं हुई है, इसलिए इससे सतर्क एवं सावधान रहें तथा वैक्सीन लगवाएं। वैक्सीन लगने के बाद भी कोई लापरवाही नहीं बरतें, मास्क लगाएं और सोशल डिस्टेंस की पालना करने के साथ साथ राज्य सरकार द्वारा जारी की गई गाइडलाइन का भी पालन करें। मेला ग्राउंड के अंदर आयोजित सामूहिक गणतंत्र दिवस समारोह में सिर्फ स्कूली शिक्षक, नगरपालिका के कर्मचारी, SDM कार्यालय के कर्मचारी, तहसील कार्यालय के कर्मचारी और आंगनबाड़ी कार्यकर्ता मौजूद रहे। कार्यक्रम में बच्चों और बुजुर्गों को आमंत्रित नहीं किया गया और न ही सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में तहसीलदार रामेश्वर छाबा ने आभार प्रकट करते हुए सभी को इस गणतंत्र दिवस में कोरोना महामारी से सतर्क और सावधान रहने के साथ वैक्सीन लगवाने की अपील की। उन्होंने कहा कि सरकार द्वारा जारी की गई गाइडलाइन का सभी पालन करें। कार्यक्रम में सबसे आश्चर्यजनक बात यह रही कि कुछ गिने चुने जनप्रतिनिधियों के अलावा सभी जनप्रतिनिधि नदारद रहे। कार्यक्रम में SDM सुखाराम पिंडेल, तहसीलदार रामेश्वर छाबा, नायब तहसीलदार संदीप चौधरी, EO अभिषेक गहलोत, विधायक सुरेश सिंह रावत, पालिका अध्यक्ष कमल पाठक सहित पुलिस मित्र टीम, सिविल डिफेंस टीम, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और सभी स्कूलों के शिक्षक व विभिन्न विभागों के कर्मचारी मौजूद रहे। सभी देशवासियों को और देशवासियों को गणतंत्र दिवस समारोह 2022 की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। आज राज्य सरकार और केंद्र सरकार द्वारा जारी की गई कोरोना गाइडलाइन के अनुसार इस गणतंत्र दिवस समारोह का आयोजन किया गया और बहुत ही संक्षिप्त में यह कार्यक्रम रखा गया, जिसमें पूर्णतः कोरोना गाइडलाइन की पालना की गई। आज मैं इस अवसर पर यहाँ पुष्करवासियों से विनम्र निवेदन करना चाहूँगा कि वो कोरोना गाइडलाइन की पूर्णतः पालना करें और दो गज दूरी है, सैनिटाइजर, मास्क लगाएं और कोरोना का टीका जरूर लगाए। और जिन लोगों ने पहला डोज लगा लिया और दूसरा डोज लगाए और जिन्होंने दूसरा डोज भी लगा चुके हैं और उनको 9 महीने से अधिक का समय हो चुका है, वो बूस्टर डोज, प्रिकॉशन डोज भी लगाए। और जो भी धार्मिक समारोह या सामाजिक समारोह है, उसमें कम से कम लोगों को आमंत्रित करें और राज्य सरकार द्वारा जारी की गाइडलाइन का पालन करें, ताकि हम स्वस्थ रहेंगे तो समाज स्वस्थ रहेगा और हमारा देश स्वस्थ रहेगा। धन्यवाद। देखिए, आज 73वां गणतंत्र दिवस है। मैं सब पुष्करवासी और हमारे अजमेर जिलेवासी और प्रदेशवासियों को बहुत बहुत बधाई देता हूँ और मैं ये संदेश देना चाहता हूँ कि कोरोना की इस महामारी ने जिस तरह से देश और दुनिया को जकड़ा है, और आप सब लोग सुरक्षित रहें, मास्क लगाए कर रखें, 2 गज की दूरी तो जरूरी है और जो वैक्सीनेशन है वो सब कराएं। इसके साथ ही क्योंकि प्रतिवर्ष गणतंत्र दिवस मनाया जाता है, वो इसलिए मनाया जाता है हम हमारे संविधान की रक्षा की शपथ लें, सब हमारे देश की जो संविधान बना हुआ है, कानून बना हुआ है, उसका हम पालन करें। तो मेरे सभी देशवासियों से, सभी लोगों से अपील है कि जो कानून है, जो हमारा संविधान है, उसकी रक्षा की शपथ लें और उसका पालन भी करें।